कुल्लू मनाली में हुई तबाही का जायजा लेने आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार पर कई सवाल खड़े करने के साथ ही केंद्र के द्वारा प्रदेश की आपदा में हर संभव सहायता की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू मनाली में हुई तबाही के हालातों का जायजा लिया और सड़कों की मरम्मत के लिए 400 करोड़ की राहत देने की घोषणा की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के आपदा के समय इस विशेष दौरे के दौरान कोई अधिकारी मौके पर नहीं था, पीडब्ल्यूडी ईएनसी मौजूद नहीं थे, जबकि उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार मौके पर होना चाहिए था। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में रेस्टोरेशन काम धीमी गति से हो रहा है, सरकार को सड़कों की बहाल करने के काम में गति लाने की आवश्यकता है क्योंकि सेब सीजन शुरू हो चुका है। मंडियों तक सेब न पहुँचने के कारण सेब सड़ना शुरू हो चुका है। लोग सेब को नालियों में फेंकने को मजबूर हैं और सेब फेंकने की वीडियो बनाने वालों को थाने में बुलाकर डराया जा रहा है। नेशनल हाईवे 4 लेन के बारे में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो भी जितना भी खर्च होगा उस खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगा, उसमें दो राय नहीं। और उसके अलावा 400 करोड़ रुपए सीआरएफ के तहत उन्होंने हिमाचल प्रदेश को देने की जो घोषणा की वो एक ऐतिहासिक है। और प्रदेश सरकार को ये भी कहा कि आप काम शुरू करें, इस पैसे की आप चिंता ना करें, तुरंत प्रभाव से इस काम को शुरू करने की आप तैयारी करें ताकि हम जल्दी से जल्दी यातायात को हिमाचल प्रदेश में सामान्य बना सकें। क्योंकि अभी तक जो रेस्टोरेशन का जो काम रोड्स का वो जो गति पकड़नी चाहिए थी वो गति अभी तक नहीं है, उसको तेज करने की आवश्यकता है। और इसके कारण आपने देखा होगा कि सेब के सीजन में अगर सड़क प्रॉपर जल्दी नहीं बन पाती है, चलने लायक नहीं बन पाती है, तो बागवानों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, उनका सेब नष्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न बहुत सारे खड़े हुए हैं और आज से नहीं कि उस दिन से हुए हैं जब से सरकार बनी है। ऐसे कुछ अधिकारियों के जिम्मे ऐसे सेंसिटिव पोस्टिंग दे करके काम लगा दिए गए हैं जिसपे बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। मुझे कल बहुत अफसोस हुआ उस बात को लेकर के, केंद्रीय मंत्री इतनी बड़ी बाढ़ के समय, इतने संकट के समय संसद का सदन छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में इस दुखी घड़ी में हमारी मदद करने के लिए आए। लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग रहा हमारे लिए, जिनके पास पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी वॉज नॉट देयर, ईएनसी पीडब्ल्यू वॉज नॉट देयर, जो भी डिस्कशन हो रही थी चीफ मिनिस्टर बार बार फोन कर रहे थे, फोन करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं छोटी बात नहीं है। जब हम डिस्कशन किए जा रहे थे तो हर दूसरे मिनट फोन करना पड़ रहा था उनको, वो अवेलेबल क्यों नहीं थे। इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का नुकसान जिस कदर हुआ है और उसमें नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में यहाँ पर सारा काम काज छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में शिमला में कुल्लू मनाली में पहुंचे और उसके बावजूद भी पीडब्ल्यू का सेक्रेटरी वहां पर नहीं है, उसका संज्ञान लेना चाहिए। ईएनसी पीडब्ल्यू वाज नॉट देयर, ये गंभीर विषय है। कम से कम इस बात का तो एहसास होना चाहिए, जब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सेक्रेटरी पीडब्ल्यू स्टेट और ईएनसी, तो उनको चाहे स्टेट के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो वहां पर भले ही ना हो लेकिन उनको वहां पर रहना पड़ता प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन नहीं थे। मैंने पूछा भी, बात गोलमोल कर दी गई। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।